तो आज मेरा मन हुआ धूप में बैठ के योगा करने का। वैसे देहरादून में अच्छा मौसम हो रहा है और मौसम बिल्कुल ठंड ठंड सा हो रहा है, धूप में बैठ के अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा धूप में बैठ के योगा करते हैं। यूजुअली मैं जिम जाती हूँ, लेकिन आज मैंने जिम स्किप कर दिया। मैंने आज मेरा मन पता नहीं क्यों योगा करने का हो रहा था, थोड़ा लाइट लाइट एक्सरसाइज करने का हो रहा था, तो मैंने सोचा योगा करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आपका बहुत ज़्यादा मन नहीं होता अपने बॉडी को एग्जॉस्ट करने का, तो आप योगा ट्राई कर सकते हो। यूजुअली मैं वीकली वीक में मैं 4 से 5 दिन जिम जाती हूँ और 1 या 2 दिन मैं योगा करती हूँ, तो वो आज दिन था योगा करने का। आज मैंने योगा करने का डिसाइड किया। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था बाबा रामदेव के योगा से, जिसको कहते हैं भ्रस्तिका, वो मैंने स्टार्ट किया। वो पेट के लिए और आपके लंग्स के लिए बहुत अच्छा होता है, वो बेली फैट और लंग्स दोनों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और उसके बाद मैंने कोबरा पोज किया। कोबरा पोज करने के बाद मैंने थोड़ी सी स्ट्रेचिंग की। स्ट्रेचिंग बहुत मस्ट होता है, आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो आप स्ट्रेचिंग ज़रूर करना। स्ट्रेचिंग बॉडी के लिए बहुत ही मस्ट होता है और बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा भी होता है। अगर मैं 1 घंटे का एक्सरसाइज करती हूँ जिम में या घर पे कहीं भी, तो उसमें से 15 से 20 मिनट मेरा स्ट्रेचिंग में जाता है। शुरू के 10 मिनट में स्ट्रेचिंग करती हूँ और लास्ट के 10 मिनट में स्ट्रेचिंग करती हूँ, तो उससे बॉडी बहुत ही रिलैक्स होता है। और बीच में जितना होता है उतना मैं एक्सरसाइज करती हूँ, अपने बॉडी के हिसाब से एक्सरसाइज करती हूँ। और स्ट्रेचिंग करने के बाद मैंने प्लैंक किया। प्लैंक में 1 से 1.5 मिनट कंटिन्यूअसली कर सकती हूँ। और प्लैंक प्लैंक जो होता है ना, वो आपके फुल बॉडी पे इफ़ेक्ट डालता है, आपके थाई पे, आपके बेली पे, आपके शोल्डर पे, मतलब कि फुल बॉडी पे आप इफ़ेक्ट डालता है। फुल बॉडी एक्सरसाइज के लिए प्लैंक इज़ वेरी इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज। और मैंने आज से 5 साल पहले एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया था, और जब मैं एक्सरसाइज नहीं करती थी तो मुझे एक्सरसाइज और योगा का कोई बेनिफिट मुझे समझ में नहीं आता था। मुझे लगता था ये तो ऐसे ही है, लेकिन जब मैंने योगा और एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया, जिम जाना जब मैंने स्टार्ट किया, तो मुझे पर्सनली फील हुआ कि बॉडी के लिए एक्सरसाइज और योगा कितना ज़रूरी है। और मेनली आफ्टर डिलीवरी बॉडी ऐसे टूट जाती है कि ऐसा लगता ही नहीं कि हम अपना जो पहले वाली जो बॉडी थी वो रीगेन कर सकते हैं। तो मुझे भी ऐसा लगता था जब मेरा हर्षल हुआ, उसके बाद मेरी बॉडी मतलब कि इतना वीक, मैं इंटरनली इतनी वीक हो गई थी ना, ऐसा लगता ही नहीं था कि मैं अपना जो मैं पुराना बॉडी है वो मैं रीगेन कर पाऊँगी। लेकिन स्लोली 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 मैंने दोबारा से अपनी वो पुरानी वाली बॉडी रीगेन करी। और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने योगा और एक्सरसाइज को अपना एक रूटीन बना लिया, और अब मैं इसके बिना तो बिल्कुल रह ही नहीं सकती हूँ। ऐसा लगता है कि कुछ स्किप हो रहा है, कुछ छूट रहा है। तो अगर जिस दिन अगर किसी किसी भी रीजन से अगर मेरा एक्सरसाइज छूट जाता है, तो वो दिन पूरा जो मेरा है ना, रिग्रेट में चला जाता है कि आज मैंने एक्सरसाइज नहीं किया, आज मैंने योगा नहीं किया। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा सा ही करूँ, लेकिन ज़रूर करूँ, ताकि वो मुझे रिग्रेट ना हो फुल डे कि मैंने आज नहीं किया। तो मैं वीकली मैं 5 to 6 डेज में करती ही करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मेरा कहने का मतलब ये है ना, अगर आपको किसी चीज़ में आलस आ रही है, आपका मन नहीं लगता वो चीज़ करने में, तो उसी चीज़ को आप अपनी आदत बना लोगे ना, फिर आप वो चीज़ किए बिना रह नहीं सकते हो। तो एक्सरसाइज और योगा ऐसी चीज़ है ना कि आपको अपने रूटीन में उसे शामिल करना ही चाहिए। और इस सीज़न में तो बहुत लोगों के वेट बढ़े होंगे, क्योंकि बहुत सारे फेस्टिवल थे और साथ में दिवाली भी थी, और दिवाली में लोग मिठाई खाए बिना तो रहते नहीं हैं, तो लोगों के 2 से 3 किलो वेट तो बढ़ ही गए होंगे। लेकिन मैंने अपना वेट नहीं बढ़ने दिया बिकॉज ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड योगा। मैं अपना वेट बढ़ने नहीं देती हूँ, कभी भी नहीं बढ़ने देती। मैं चाहती नहीं मेरा वेट बढ़े, और मैं अपना वेट कम भी नहीं करना चाहती। मैं मेरा वेट जितना है मेरा वेट उतना है। हाँ, थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो जाता है, उतना चलता है। अब एग्जैक्ट वेट तो रह नहीं सकता ना, फ्लक्चुएट होता है। 1 किलो मैक्सिमम 1 किलो का वेट मेरा फ्लक्चुएट होता है, उससे ज़्यादा मैं फ्लक्चुएट होने नहीं देती हूँ। और बॉडी में ना बैलेंसिंग भी ज़रूरी है। जो अभी जो मैं ये कर रही हूँ ना, वो बैलेंसिंग कर रही हूँ। एक पैर पे खड़े होकर बैलेंस करना ये भी बहुत ज़रूरी है। बॉडी को बैलेंस रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये मैं बैलेंसिंग वाला जो भी है एक्सरसाइज कर रही हूँ। थोड़ा सा टफ होता है, धीरे धीरे हो जाता है। शुरू में तो कभी होता ही नहीं था मेरे
वजह से बैलेंसिंग वाला काम। इसके बाद मैंने लास्ट में किया हेड स्टैंड, और हेड स्टैंड भी मैंने ये मैंने खुद से ट्राई करते 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 मैंने खुद से ट्राई किया था और मैंने कर लिया था, सक्सेसफुल हो गई थी हेड स्टैंड करने में। और ये हेड स्टैंड है ना, जब कोविड टाइम था ना, जब बाहर नहीं जाना होता था, तब मैंने ये सारे बैलेंसिंग वाला जो एक्सरसाइज है वो मैंने सीखा, व्हील पोज में कोविड टाइम में ही सीखा था, ट्राई किया। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पेंड। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।